स्टार्ट है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कहानी एवं लोक कथा में अंतर। इसके बाद आता है रोचक प्रसंग श्रवण। रोचक प्रसंग श्रवण, तो देखिए यहाँ पे रोचक प्रसंग श्रवण के लिए छोटी सी दो पंक्तियों की परिभाषा है। प्रश्न बनता है रोचक प्रसंग श्रवण क्या है, तो श्रवण का मतलब है सुनना, रोचक का मतलब है रुचिकर, और प्रसंग का मतलब घटना या कहानी। कोई भी घटना या कहानी ऐसी जो रोचक हो और जो सुनने लायक हो या सुनी जा रही है, श्रवण एक प्रक्रिया है। तो रोचक प्रसंग श्रवण की बस छोटी सी परिभाषा है, इसको बालकों की श्रवण एवं स्मरण की प्रवृत्ति, उसके विकास को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रसंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, रोचक प्रसंग श्रवण को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस बिंदु को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले भाषाई कौशल को समझना होगा कि भाषाई कौशल क्या है। तो भाषा कौशल क्या है, सबसे पहले कौशल शब्द देखिए। अब भाषाई कौशल क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, क्यों समझना पड़ रहा है रोचक प्रसंग को समझने के लिए, क्योंकि रोचक प्रसंग सुना तभी जाएगा जब सुनने वाले छात्र होंगे, और सुनने वाले छात्र तब होंगे जब उनमें वो भाषाई कौशल होंगे। भाषाई कौशल जब तक नहीं होगा तब तक वो सुनेगा नहीं, श्रवण नहीं करेगा, समझेगा नहीं। तो भाषा कौशल का जब विकास हो जाता है तब रोचक प्रसंग अध्यापक बोल पाएगा और छात्र उसको सुन पाएंगे। अच्छा भाषाई कौशल क्या है, तो सबसे पहले कौशल को समझ लो। कौशल कैसे कहते हैं, आप लोग सभी सब्जेक्ट में कौशल शब्द को पढ़ते होंगे। अध्यापक की कुशलता, अध्यापक का कौशल, छात्र की कुशलता, छात्र का कौशल। तो सबसे पहले तो हम आपको कौशल की परिभाषा बताएंगे, इसके बाद हम आपको भाषा के कौशल बताएंगे। भाषा के कौशल सिर्फ चार हैं, एक बार बताएंगे आपको समझ में आ जाएंगे। कौशल की परिभाषा क्या है, छोटी सी परिभाषा है, वो ज्ञान जिसको बार बार दोहराया जाए, वो ज्ञान जो अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे कौशल कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है वो ज्ञान जिसकी आवृत्ति की जाए, आवृत्ति का मतलब है बार बार उसका क्रियान्वयन करना, बार बार उस कार्य की पुनरावृत्ति करना। किसी भी कार्य की आप पुनरावृत्ति करिए, बार बार करते रहिए, तो वो कुशलता बन जाती है, वो कौशल बन जाता है। अच्छा कौशल में क्या होता है कि शरीर को ज़्यादा समस्या नहीं आती, इंद्रियों को ज़्यादा समस्या नहीं आती। जब कुशाग्रता आ जाती है, जब कौशल बढ़ जाता है, फिर किसी भी कार्य को करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होती। आपका कौशल काम करता है, आपका शरीर काम करता है, आपका अवचेतन काम करता है। अच्छा ये है कौशल, ये तो हो गई कौशल की परिभाषा। अब कौशल के भाषा के जो कौशल है वो चार कौशल हैं, कौन कौन से हैं, तो भाषाई कौशलों को लिख लीजिए आप। भाषाई कौशल आपको वही तथ्य पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, भाषा के कौशल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा गौर से देखिए। भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, चार भाषा के कौशल हैं। श्रवण, श्रवण मतलब सुनना। बालक सबसे पहले सुनेगा,
प्रारंभिक स्थिति में बालक क्या करेगा, सबसे पहले बालक सुनेगा। सुनने से ही ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई भी ज्ञान हो, कोई भी तत्व हो, सबसे पहले सुनना, सुनना प्रारंभिक बिंदु है। बिना सुने कुछ भी हो नहीं सकता, बिना सुने कुछ कहा नहीं जा सकता, बिना सुने कुछ बोला नहीं जा सकता, इसलिए सुनना महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा पठन, पठन का मतलब होता पढ़ना, वाचन का मतलब भी पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पठन का मतलब बोलने से है। दूसरा कौशल है बोलना। वाचन का मतलब भी बोलना होता है, सुनना बोलना, लेकिन यहाँ यहाँ पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसको आप उसका वाचन कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो। हालांकि ये भी एक कौशल है पठन। यहाँ बोलना क्या है, पुस्तक में नहीं लिखा है वो भी बोला जा रहा है, तो उसके लिए बोलना हो गया। वाचन पढ़ना और लेखन लिखना, ये क्रम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो भाषाई कौशल है इनको क्रमबद्ध लिखिए, तो क्रमबद्ध लिखने के लिए यही क्रम आप याद कर लीजिए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। कभी कभी वैकल्पिक प्रश्न पूछ देते हैं, बोलना को ऊपर कर देते हैं, पढ़ना को नीचे कर दिया, लिखना को बीच में कर दिया, तो इस प्रकार गड़बड़ कर देते हैं और कहते हैं इसको सही तरीके से क्रमवार बताइए। तो इनका क्रम की पद्धति है सुनना, सबसे पहले इसका सूत्र आप बना सकते हो, सुनना के लिए एस, बोलना के लिए बी, पढ़ना के लिए पी और लिखना के लिए एल। एस के बाद बी पी एल, एक सूत्र एक तरीका है याद करने का। तो ये भाषाई कौशल है चार, श्रवण पठन वाचन और लेखन। किसी भी चीज़ को, भाषा के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले भाषाई कौशल पढ़ने पड़ेंगे, भाषाई कौशल समझने पड़ेंगे। बालकों को पढ़ाने से पहले बालकों के अंदर भाषाई कौशलों का विकास करना पड़ेगा। और आपके डीएलएड में जितना भी पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य बिंदु यही है कि आप बालकों के अंदर इन भाषाई कौशलों का विकास करें। इन भाषाई कौशलों का विकास कैसे करें, इन भाषाई कौशलों के विकास का उद्देश्य क्या है, इनका महत्व क्या है, इसी पर आधारित पूरा पाठ्यक्रम है आपका। डीएलएड का जितना भी पाठ्यक्रम है इन्हीं भाषाई कौशलों पर आधारित है, इनको आप समझ लीजिए। तो ये आपके भाषाई कौशल हैं। और पहला भाषाई कौशल जो है इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम आपको, हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तारित तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना समय नहीं रहता, लेकिन यहाँ तो बिंदुवार लिखा है, बिंदु को थोड़ा सा बढ़ा करके आपको यहाँ बताएंगे। चार भाषाई कौशल हैं, चार में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है श्रवण। तो श्रवण नाम से श्रवण कौशल, सबसे पहले बालकों में किस चीज़ का उदय कराना चाहिए, किस चीज़ का विकास कराना चाहिए, श्रवण कौशल का। आप भी अभी पढ़ रहे हैं तो आप श्रवण कर रहे हैं, हालांकि आप देख भी रहे हैं लेकिन आप श्रवण कर रहे हैं। श्रवण अगर नहीं करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। श्रवण से ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो श्रवण कौशल की परिभाषा आप समझिए, श्रवण कौशल का उद्देश्य आप समझिए, श्रवण कौशल का महत्व आप समझिए। तो यहाँ आपको मौखिक रूप से श्रवण कौशल के बारे में बताते हैं। श्रवण के बारे में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, शास्त्रों में भी कहा गया है, जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें बहुश्रुत कहा जाता है। बहु मतलब बहुत, श्रुत मतलब सुनने वाले। जो लोग बहुत सुनने वाले होते हैं उन्हें ही विद्वान कहा जाता है। बहुत बोलने वाले विद्वान नहीं है, बहुत बोलने वाले तो बाचाल हो जाते हैं, बहुत सुनने वाले विद्वान हैं। और ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। 80% उसको सुनना चाहिए, वीडियो साफ नहीं आ रहा सर, व्यक्ति को 80% सुनना चाहिए और 20% बोलना चाहिए। ये भी एक कहावत है, अच्छा वक्ता वही होगा जो एक अच्छा श्रोता होगा। तो अच्छा वक्ता बनने के लिए, आदर्श वक्ता बनने के लिए आदर्श श्रोता होना आवश्यक है। तो पहली शर्त है श्रुत सामग्री, पहली शर्त है श्रवण कौशल। श्रवण अच्छा होना चाहिए, श्रवणम मंगलम, सुनना ही मंगलकारी है। जितना अच्छा सुनेंगे, जितना गौर से सुनेंगे, जितना अवधान केंद्रित करके सुनेंगे।
जितनी एकाग्रचित्तता से सुनेंगे उतनी समझ का विकास होगा, उतना ही आप बढ़ चढ़कर वक्तृत्व दे सकते हैं, उतना ही बढ़ चढ़ के आपके शब्द भंडार में वृद्धि हो सकती है, उतने ही आप तार्किक संगत रूप से बातचीत कर सकते हैं। सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। किसी भी कक्षा का निरीक्षण करना है तो कक्षा के निरीक्षण में आप सबसे पहले बिंदु पर प्रकाश डालिए, श्रवण पर। आप ये देखिए कि सुना कितना जा रहा है, कितनी गंभीरता से आपको सुना जा रहा है। कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो गंभीरता से श्रवण करते हैं? जो श्रवण करते हैं उन्हें ही समझ में आता है। हालांकि श्रवण के लक्षण भी हैं, जो सुनने वाले हैं उनके लक्षण समझ में आ जाते हैं कि ये छात्र सुनने वाला है, ये छात्र सुनने वाला नहीं है। जिनका मन पठन में लगा है, जिनका मन क्लास में लगा है, लेक्चर में लगा है, वो लोग थोड़ा आगे को झुक जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक पद्धति में बताए जाते हैं लक्षण। जो आदर्श श्रोता हैं, जो नंबर एक के सुनने वाले श्रोता हैं, उनका ये लक्षण है। फर्स्ट क्लास के जो श्रोता हैं, कोई भी लेक्चर हो रहा होगा, कोई भी प्रसंग चल रहा होगा, कोई भी सब्जेक्ट चल रहा होगा, तो वो गंभीरता से सुनने के लिए आतुर होते हैं, लालायत रहते हैं और आगे की तरफ थोड़ा झुके हुए होते हैं। सुनने के लिए वो अपने कानों को और नज़दीक ले जाना चाहते हैं, वो सटा देना चाहते हैं वक्ता से अपने कानों को। वो बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते हैं कि कोई भी शब्द अक्षरशः बिल्कुल चूक ना जाए। अक्षरशः वो उसका श्रवण पान करते हैं। नंबर एक के श्रोता, अच्छा, जो जिनका मन नहीं लग रहा सुनने में, उनको जमुआई आएंगी, उनकी दृष्टि नहीं रहेगी सामने, उन्हें आलस आएगा, पीछे को झुके रहेंगे, टिक जाएंगे या जमीन देखेंगे। तो ये सारे लक्षण श्रवण, श्रवण को मजबूत करने के लिए, श्रोतव्य को मजबूत करने के लिए ही रोचक प्रसंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों आपको बताया जा रहा है रोचक प्रसंग को सुनना एवं याद करना? इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये शुरुआत है। रोचक प्रसंग जब आप क्लास के अंदर डालेंगे, रोचक प्रसंग के बारे में जब आप छात्रों को बताएंगे, तब उनका श्रवण कौशल जागृत होगा। जब तक आप रोचक प्रसंग नहीं सुनाएंगे, तब तक क्लास की जो एकाग्रता है वो आपके संपर्क में नहीं आएगी, आपके पाठ के संपर्क में नहीं आएगी, आपके उद्देश्य से छात्रों का उद्देश्य भटक जाएगा, तालमेल नहीं बनेगा। तो उनके मन मस्तिष्क से, छात्रों के मन मस्तिष्क से अध्यापक का मन मस्तिष्क जुड़ जाए, सम्मिलित हो जाए, उसके लिए श्रवण कौशल जागृत करना होगा। श्रवण कौशल जागृत करने के लिए कक्षा के अंदर सर्वप्रथम रोचक प्रसंग डालना होगा। सबसे पहले एक अच्छी कहानी डालनी होगी, सबसे पहले कोई घटना सुनानी होगी। रोचक प्रसंग में क्या है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे जीवन व्रत हैं, बहुत सारी डायरी, बहुत सारे संस्मरण हैं। कभी कभी क्या होता है, ये दो तरीके के होते हैं रोचक प्रसंग, दो तरीके इनके होते हैं, दो प्रकार हैं, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित और अलिखित, लिखित में क्या होता है, लिखित में आपका जो समाचार पत्र वगैरह हैं, समाचार पत्र है, अखबार है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, ये सब लिखित में आ जाते हैं। और अलिखित में जैसे कहानी है, डायरी है, संस्मरण है, या फिर रेडियो है। कभी कभी कक्षा के अंदर रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी कक्षा के अंदर टेलीविज़न का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी कक्षा के अंदर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोजेक्टर भी रोचक सामग्री है, रोचक प्रसंग के उसमें आता है लिस्ट में। तो टीवी का इस्तेमाल कर दिया जाए, टेलीविज़न का, रेडियो का इस्तेमाल किया जाए, या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाए, ये सब अलिखित में आता है। और लिखित में न्यूज़पेपर है, पत्र पत्रिकाएँ, मैगजीन, ये सब लिखित रोचक सामग्री के सूची में आती हैं। तो ये दो प्रकार से
हम क्लास के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं रोचक प्रसंगों के माध्यम से। तो ये रोचक प्रसंग है। रोचक प्रसंग में भाषाई कौशल, भाषाई कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल, श्रवण कौशल जागृत किया जाए। क्यों किया जाए आपको बता दिया। श्रवण कौशल जागृत करने से लाभ क्या है आपको बता दिया। इसके बाद है पठन कौशल, पढ़ने का कौशल। श्रवण कौशल अच्छा होगा तो पठन कौशल स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद वाचन, तो वाचन में आप लोगों को PDF भेजेंगे, उसमें आपको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा आगे मिलेगा, अभी हम आपको बिंदुवार बताए देते हैं बस। ओरल वाचन दो तरह का होता है। वाचन का मतलब बाँचना, जैसे आप लोग कहते हैं किताब बाँचो, रामायण बाँचो, महाभारत बाँचो, गीता बाँचो। बाँचने का मतलब है, ये बाँचना शब्द बाँकने से लगा है, बाक बाक मतलब बोलना। तो ये वाचन, वाचन दो तरह का है, एक तो सस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन। दोनों वाचन की अलग अलग परिभाषाएं हैं, दोनों वाचन के अलग अलग काम हैं, दोनों वाचन अलग अलग स्तर के हैं। सस्वर वाचन क्या है? वो वाचन जिसमें हम अपने स्वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किताब हम पढ़ रहे हैं, किताब में हमने पढ़ा कि परवेशीय विषय पर आधारित परिचर्चा, तो किताब में जो लिखा वो हमने वाचा, ये हो गया सस्वर वाचन। किताब में जो लिखा उसको हमने ध्वनियों के माध्यम से सुनाया, लोगों को सुनाई दिया, हमने अपने इंद्रियों का इस्तेमाल किया, हमने अपनी वाक इंद्रियों का इस्तेमाल किया, हमने अपनी स्वर यंत्रियों का इस्तेमाल जिसमें किया, उस वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं। मौन वाचन, अब इसी पंक्ति को हमने अपने मन में पढ़ लिया, बोला नहीं, आप लोगों ने नहीं सुन पाया, किसी ने नहीं सुन पाया, मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ा, ये हो गया मौन वाचन। इसमें याद ये रखना, मौन वाचन में ओठ भी नहीं हिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं फड़कते हैं। मौन वाचन की एक विशेषता ये है, बगल वाला अलग वाचन करता रहेगा, आप अलग वाचन करते रहिए, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सस्वर वाचन में क्या है, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं लोग। आप सस्वर वाचन कर रहे हैं तो दूसरा कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब हो रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा आपकी वजह से। तो सस्वर वाचन का ये दोष भी है कि सस्वर वाचन उच्च कक्षा में नहीं होता है। आवश्यकता पड़े तो कराना चाहिए, कभी आवश्यकता पड़ती है सारी क्लास को वो पाठ सुनाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो सस्वर वाचन में ये दोष है कि ये ध्वनि प्रदूषण करता है, दूसरे को परेशान करता है। मौन वाचन का ये गुण है कि इसमें जो वाचन होता है बड़ी गंभीरता के साथ होता है और गहन अध्ययन होता है और शीघ्र अध्ययन होता है। मौन वाचन आप कर रहे हैं, सस्वर वाचन में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा विलंब लगेगा, थोड़ी ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन मौन वाचन में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होगी, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और शीघ्रगामी आप पढ़ते चले जाएंगे। मौन वाचन एक विशेषता और है, गंभीर पठन होता है, गंभीर वाचन। अच्छा एक चीज और है, वाचन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने बाँच दिया और सुनने वाले ने सुन लिया, वाचन हो गया। वाचन में यह भी है कि आप जो बाँच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, उसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं आप सिर्फ बाँच रहे हैं। तो यहाँ परिभाषा में आपको ये भी लिखना होगा कि सस्वर वाचक या मौन वाचक जो कुछ भी पढ़ रहा है उसका अर्थ उसको अक्षरशः समझ में आना चाहिए, उसका बोध उसको होना चाहिए। अगर बोध नहीं है और मात्र पढ़ रहा है तो एक मशीन की तरह काम कर रहा है तो वो फिर वाचन की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये कौशल है, वाचन कौशल है, और वाचन कौशल का भी विकास
कक्षा अंतर्गत कराया जाता है। छात्रों में वाचन कौशल का भी विकास कराया जाना चाहिए। ये कब कराया जाना चाहिए? श्रवण कौशल के बाद बोलना और बोलने के बाद वाचन। देखिए, बालक जब जन्म लेता है तो उसे 3 वर्ष लगते हैं कोई शब्द निकालने में। 3 साल बाद वो 1-2-4 शब्द बोलने लगता है, जैसे रोटी है, जैसे पानी है, पानी के लिए मम शब्द का इस्तेमाल करने लगता है, तो बोलने लगता है। तो दूसरा कौशल इसी क्रम में बोलने का है। बालक जिस क्रम में आगे बढ़ता है उसी क्रम में ये आपके भाषाई कौशल है। सबसे पहले वो सिर्फ सुनता रहता है तो ज़्यादा शब्द उसके कानों पड़ते वही बोलने लगता है। 4-6 शब्द ऐसे होते जैसे बुआ है, मामा है। 3 साल बाद वो बोलने लगता है और इसके बाद और 1-2 साल बाद फिर वो पढ़ने भी लगता है, वाचन करने लगता है, किताब पढ़ने लगता है। पढ़ना थोड़ा कठिन है, सुनना सबसे सरल है। सुनने के बाद बोलना है, बोलने के बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद सबसे अधिक कठिन है लिखना। इसके बाद चौथा जो भाषाई कौशल लेखन का है, ये लेखन का कौशल अंत में आएगा, तब आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेखन कौशल के साथ ही विद्यार्थी की संपूर्णता मानी जाती है। अगर उसके पास ये अग्रिम 3 कौशल हैं और अंतिम लेखन कौशल नहीं है तो वो अपूर्ण माना जाएगा। लिखना नहीं है तो अपूर्ण है, और लिखने के साथ पूर्णता आ जाती है। तो अच्छा लेखन, सुलेखन, ये सब सामग्री आपके पाठ्यक्रम में आगे अंतर्निहित है और आपको बताई जाएगी। तो ये आपका हो गया रोचक प्रसंग। रोचक प्रसंग से संबंधित ये आपकी दक्षताएं हैं। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, समाज प्रवेश एवं स्व अनुभवों पर परिचर्चा। समाज परिवेश एवं स्व अनुभवों पर चर्चा। देखिए, समाज आप समझते हैं परिवेश, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा वातावरण है, देश काल वातावरण, हमारा चारों तरफ का सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक परिदृश्य, हमारे पास पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे सहपाठी, हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक, हमारा विद्यालय, हमारा खेल का मैदान, ये सब परिवेश के अंतर्गत है। तो समाज परिवेश एवं स्व अनुभवों पर चर्चा। अब यहां पर एक शब्द आया स्व अनुभवों। अनुभव तो आपको मिलते रहते हैं, आप लोग बातचीत करते हैं कि वहां गए थे, वहां जाने के बाद हमें ये अनुभव मिले, या हम फलाने प्रसिद्ध व्यक्ति से मिले और उसने अपने अनुभवों को साझा किया, या हमने मुंशी प्रेमचंद की या जयशंकर प्रसाद जी या थॉमस रेडन या कार्ल मार्क्स या सुकरात या प्लेटो, हमने इनकी किताब पढ़ी और इनके अनुभवों को आत्मसात किया। तो अभी तक चर्चा करते आए हैं कि हमने इनके अनुभवों को पढ़ा समझा, लेकिन यहाँ पर बिंदु क्या है? स्व अनुभवों पर। स्व, स्व मतलब अपने अनुभवों पर चर्चा करनी है, दूसरों के अनुभवों पर चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर किराए के अनुभवों का काम नहीं है, यहाँ पर अपने निजी मौलिक अनुभवों की आवश्यकता है।
तो मौलिक अनुभवों पर यहाँ प्रकाश डालना है। मौलिक शब्द एक और आ गया बीच में, मौलिक, यह आपको बार बार पढ़ने में आएगा और इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो ये समस्या करेगा। मौलिक देखिए, अभी ये शिक्षण विधियाँ चलेंगी कुछ दिन, और शिक्षण विधियों के बाद थोड़ा सा व्याकरण भी है, वो भी आपको पढ़ा देंगे। थोड़ा सा व्याकरण है क्योंकि ये डीएलएड में एक तरह से प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण ही है, और प्रशिक्षण में क्या है कि ना तो शुद्ध व्याकरण है इसमें, ना शुद्ध साहित्य है इसमें। व्याकरण साहित्य और कुछ शिक्षण विधियों को मिला करके आपका ये सिलेबस बना गया है। तो नाम ज़रूर हिंदी का है लेकिन इसमें हिंदी का आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप लोग पढ़ते चले आए हो, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, ये सब साहित्य नहीं है, इसमें लिटरेचर नहीं मिलेगा। ये आपको शिक्षण विधियाँ मिलेंगी, एक हिंदी अध्यापक के लिए निर्धारित शिक्षण विधियाँ, अपेक्षित शिक्षण विधियाँ, उसको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए एक अध्यापक में, क्या क्या उससे अपेक्षाएं की जाती है, वो छात्रों को किस तरीके से बताएगा, किस तरीके से समझाएगा, किस तरीके से पार्ट स्टार्ट करेगा, एक तरीके से लेसन प्लान जैसे तैयार किया जाता है बीएड वगैरह में, उस तरह की पढ़ाई आपकी है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्लास हिंदी का चल रहा है लेकिन हिंदी के क्लास में वो साहित्य का आनंद नहीं आता, तो वो आनंद तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी बातें आपको इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं पर नमस्कार।